हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन VCU एंड VCB, दैट इज वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूनिट एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो टोटल चार पॉइंट्स हैं विथ वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला डिफरेंस है करंट रेटिंग के ऊपर। सो VCU को कैटेगराइज किया जाता है लेस देन 400 एम्प्स, और अगर VCB का बात करें तो 400 एम्प्स से ज़्यादा जो भी रेटिंग होगा वो VCB की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल 800 एम्प्स या फिर 1250, 3200, 2000 एम्प्स ETC। सेकेंड डिफरेंस है एप्लीकेशन के ऊपर। बोथ VCU एंड VCB ST पैनल्स हैं, बट VCU लेसर रेटिंग मोटर को फीड करता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 250 किलोवाट, और उसका करंट रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 एम्प्स। बट जो वोल्टेज रेटिंग है दोनों का सेम है, 6.6 KV। सो VCB मोटर फीडर के साथ साथ ट्रांसफार्मर और इनकमर फीडर में भी यूज़ होता है, और इस केस में VCB के केस में अब करंट रेटिंग 2350 किलोवाट, दैट इज़ 2.35 मेगावाट या फिर 3 मेगावाट भी होता है, और करंट रेटिंग आप देख सकते हैं 311 एम्प्स, एंड वोल्टेज सेम है दोनों के केस में, 6.6 KV। थर्ड डिफरेंस है स्विच गियर का ऑपरेशन किस तरह होता है। तो इन केस ऑफ VCU वो कॉयल सिस्टम को यूज़ करता है कॉन्टैक्टर को मेक एंड ब्रेक करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। सो कॉयल सिस्टम एज इफ जो नॉर्मल कॉन्टैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या पावर कॉन्टैक्टर, तो ऐसा ही प्रिंसिपल इसका। बट इन केस ऑफ VCB वो स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज़ करता है, सो एंड इन दैट केस जो ऑन ऑफ का प्रोसीजर है उसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वीडियो के केस में। लास्ट पॉइंट है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो VCU के केस में इनबिल्ट सिस्टम नहीं रहता है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। सो सिंस पैनल डैमेज ना हो, मोटर डैमेज ना हो, तो उसके लिए ये जो प्रोटेक्शन है वो HRC फ्यूज़ के हेल्प से किया जाता है, और HRC फ्यूज़ का जो करंट रेटिंग है उसे हम सेट करते हैं 2.5 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट या फिर मैक्सिमम 400 एम्प्स। बट इन केस ऑफ VCB इनबिल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया रहता है शॉर्ट सर्किट करंट को से डील करने के लिए, और उसका रेटिंग जनरली 50 KA या फिर 66 KA रहता है। पहला पार्ट है VCU का, दैट इज़ वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूनिट। तो यहाँ पे आप उसका नेम प्लेट देख सकते हैं, सीमेंस मेक का है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात किया था कि इसमें शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूजेस प्रोवाइड किए रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फेज के लिए फ्यूज़ प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर रेटिंग विजिबल होगा तो 400 एम्प्स है, तो इसे कंफर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, 400 एम्प्स तक है मैक्सिमम। VCU सामने से कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट, इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं लोकल मोड में डाल के टेस्ट पोजिशन में, सो दैट जो उसके साउंड है ब्रेकर का, जो ऑपरेटिंग साउंड है वो काफ़ी कम रहेगा एज कम्पेयर टू VCB, तो उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करो। इस क्लिप में आपने VCB का कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर और साउंड इफेक्ट देखा ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं VCB के ऑपरेशन पे। नेक्स्ट हमारे सामने ट्रांसफार्मर फीडर है, और प्रेजेंटली सर्विस पोजीशन एंड ऑफ कंडीशन में, तो वो सब क्रॉस चेक कर लेते हैं ऑन करने से पहले। और उसका जो नेम प्लेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, करंट रेटिंग विजिबल होगा इफ पॉसिबल, 1250 एम्प्स का है। एंड नेक्स्ट हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, उसका साउंड इफेक्ट सुनिएगा। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन VCU एंड VCB। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।